बगले मतलब आपकी आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में है पूरा प्यार। अगर आप समझें कि अगर आपको आर्मपिट देखना या आर्मपिट स्मेल करना या आर्मपिट के साथ फोरप्ले करना बहुत पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगी आर्मपिट्स लव के बारे में। कई लोग ऐसे हैं जिनको बगले जो है वो बहुत पसंद है और एक्चुअली इंटरकोर्स से ज्यादा उनको बगले पसंद होती हैं फीमेल्स की और मेल्स की। इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है कि मैंने सुना नहीं है, पर जिन लोगों को ये पसंद है उनके लिए ये जन्नत से भी बड़ी चीज है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे एक्चुअली होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको अवेयरनेस के लिए देखना चाहिए ताकि कल को आपके पास ऐसे लोग मिले या आपके पार्टनर को ये इंटरेस्ट हो तो कैसे इसे फुलफिल किया जा सकता है। बने रहें, जुड़े रहें, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, मैं बात कर रही थी आर्मपिट लव के बारे में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें फीमेल्स के पैर पसंद हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको उनके बाल पसंद हैं। ऐसे ही एक तरह का इंटरेस्ट है जिसे हम कहते हैं आर्मपिट लव। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को आर्मपिट स्मेल करना या उनका स्वेट या फिर देखना बहुत पसंद है या उससे रिलेटेड अट्रैक्शन होती है, वो यूजली हेयरी आर्मपिट का है। मतलब तो थोड़े से बाल दिख जाएं या फीमेल हाथ उठाते हुए दिख जाएं, वहाँ पे थोड़े से हेयर्स हों, या फिर कई लोगों को स्वेटिंग जैसे कपड़ों पे या ब्लाउजेस पे स्वेट आता है ना, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो कहीं ना कहीं उनके अराउजल्स को बढ़ाता है। जैसे कई लोगों को अराउजल बढ़ाने के लिए चाहिए है कि वो कोई पॉर्न देखें या कुछ और देखें, पर दीज पीपल आर्मपिट लव उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने पार्टनर का चुनाव भी आर्मपिट्स के आधार पर करते हैं। जैसे कई जिन लोगों को फीट्स पसंद होते हैं वो फीट्स के आधार पर ही देखते हैं कि मुझे लिए ये पार्टनर चाहिए और मैं इनके साथ करना चाहता हूँ। सिमिलरली ऐसा ही आर्मपिट लवर्स के साथ होता है। अब मैं बात करूं कि अगर हमारे पार्टनर को ऐसा कोई इंटरेस्ट है या अट्रैक्टिवनेस सिर्फ आर्मपिट्स को लेकर है, या आपके पार्टनर ने आपको ऐसा बोला भी है कि भाई मुझे ना ये एरिया तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है या जो मैं यहाँ पे किस करता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो ऐसे में ज़रूरी है अपना आर्मपिट हाइजीन, इंटीमेट एरियाज के हाइजीन के साथ साथ अगर हम वहाँ लाइट हो जाए, जैसे फीमेल्स को यूजली कंसर्न रहता है कि वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, और अगर डार्क है और आपके पार्टनर का इस तरह का फैंटेसी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा लाइटन कर लें, वो एरिया आपका ज़्यादा फ्रेश हो तो आपका पार्टनर बेहतर एंजॉय करता है। सो अगर आपके पार्टनर को ऐसा आर्मपिट फेटिश है तो आपका खुद का हाइजीन और उनकी इस चीज़ को एंटरटेन करना एज अ फीमेल आपके बस में है। अब मैं बात करूं कि ये नॉर्मल है या नहीं है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है जब तक आपका पार्टनर इसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसके बेसिस पे आपको अपनी भाभी पसंद आ रही हैं या कोई और लेडी पसंद आ रही हैं और सिर्फ आप उनके बारे में सोचे जा रहे हो, या फिर एज पर साइकोलॉजी ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये फेटिशिस्ट के चक्कर में अगर आपका पार्टनर आपसे सेक्सुअल इंटरकोर्स ही ना करना चाहे, मतलब वो पेनिट्रेशन ही ना करना चाहे, सिर्फ यही सब करना चाहे और ऐसे ही डिस्चार्ज करना चाहे, तो लेडीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि अल्टीमेटली फिर उनका खुद का, जैसे हम बोलते हैं कि सैटिस्फेक्शन अचीव नहीं होता है। तो अनटिल लेस एज अ मेल अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये बहुत पसंद है या तो इसके चक्कर में मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं और अपने पार्टनर के अलावा भी मुझे इधर उधर बहुत भटकना पड़ रहा है और मैं परेशान रहता हूं, देन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपनी थेरेपीज को स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपका पार्टनर बहुत सेटिस्फाई है, वो आपकी इस फैंटेसी को समझता है और आपके साथ बड़ा अच्छे से एंजॉय करता है, देन यू कैन कंटिन्यू इट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो भी ऐसी अट्रैक्टिवनेस है और आपको सिर्फ आर्मपिट्स ही मजा देते हैं और इससे आपकी लाइफ भी खराब हो रही है, तो थेरेपीज एक बहुत ही अल्टीमेट ऑप्शन है। थेरेपीज धीरे धीरे आपके बिहेवियर को सूट करेगा और जब आप किसी को ऐसा देखेंगे तो आपको एकदम से अराउजल नहीं होगा और वो सब आपके दिमाग में नहीं होगा। थेरेपीज के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं www.drneha.com और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आकर कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। बने रहे, जुड़े रहे, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए कोई टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।